हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एविशन टेक ऑफिशियल। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर आपका नॉलेज इंक्रीज करने वाले हैं। आजकल पॉल्यूशन लेवल कितना इंक्रीज हो गया आप सभी को ही पता है। इसका एनवायरनमेंट और लिविंग रूम पर क्या साइड इफेक्ट हो रहा है ये भी आपको से पता है। एनवायरनमेंट पर नज़र डालें तो ओजोन लेयर काफ़ी तेज़ डिप्लीशन हो रहा है। क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो रहा है। ग्लेशियर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए जा रहा है। लिविंग बींग पर नज़र डालें तो यंगस्टर आजकल छोटे से एज में अस्थमा के पेशेंट हुए जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों में रेस्पिरेटरी का इशू पाया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट सारे ह्यूमन या फिर नेचर पे काफ़ी ज़्यादा हुए जा रहा है, पर हम इसे टोटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट या फिर बहुत सारे एनजीओ ने इनिशिएटिव ले रखा है ऑलरेडी। जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कि कई सारे सिटीज़ में एयर प्योरीफायर इंस्टॉल किया गया है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में हम लोग देख सकते हैं, दिल्ली में कई सारे रोड के किनारे एयर प्योरीफायर यूनिट लगाया गया है जो कि एयर को प्योरीफाई करता है और ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ रोडवेज व्हीकल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। कुछ और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस एयर पोल्यूशन के लिए। जी हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन के लिए रिगार्डिंग। एरोप्लेन अकेले ही 14% रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। हम जानते हैं कि रोडवेज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कई सारे स्कीम या फिर कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं व्हीकल्स में कई सारे सीएनजी गैस दिल्ली में चलते हैं या फिर और भी मेन मेन सिटी में सीएनजी गैस लगे रहते हैं व्हीकल में जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। दिल्ली में इवन ऑड नंबर व्हीकल सिस्टम का भी यूज किया जा रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन में कंट्रोल हुआ तो है। बट क्या आप जानते हैं एरोप्लेन से होने वाला पोल्यूशन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? जी हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है एविएशन में एरोप्लेन के इंजन में यूज करने के लिए। इससे पहले बता दूं कि एरोप्लेन में जेट A1 फ्यूल का यूज किया जाता है जिसके वजह से इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता था। जेट A1 फ्यूल कम्बसन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रेसिड्यूअल क्रिएट होता था जैसे कि CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर पॉली एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन इमिट होता था इन्वायरमेंट में जो कि लिविंग बींग या फिर कोई भी नेचर के लिए सही नहीं है। जेट A1 कंबसन के बाद काफ़ी ज़्यादा कार्बन पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं इंजन में जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का इंजन का लाइफ डिक्रीज हो जाता है। एयरक्राफ्ट का इंजन को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है जिससे कंपनी का कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है जो कि कोई भी कंपनी ऐसा चाहेगा नहीं। इसे निजात पाने के लिए कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इस बढ़ते पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे एयरलाइंस जो कि फॉरेन एयरलाइंस है एक्चुअली में वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं जैसे कि अलास्का एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन या फिर KLM एयरलाइन और भी बहुत सारे फॉरेन एयरलाइंस हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं इस चीज़ को यूज करने में और पॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहे हैं। So today is all about sustainable aviation fuel. So I'm in the environment department at IATA. Sustainable aviation fuel is a key part of the industry's strategy as we move from 2020 to 2050, where we have very, very ambitious targets to reduce our CO2 footprint as an industry. Basically, sustainable aviation fuel produce कैसे किया जाता है? इसको produce किया जाता है जितने भी एग्रीकल्चर का रेसिड्यू होता है या फिर जितने भी वेस्ट ऑयल होता है ये सब का यूज करके हम लोग बायोडिग्रेडेबल जितने भी मटेरियल होते हैं इन सब का रिसाइकिल करके हम इसे बनाते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो कि पोल्यूशन को कम करने में हेल्प कर। ये फ्यूल 70-80% लेस कार्बन रेसिड्यूअल इमिट करता है जेट A1 फ्यूल के कंपेरिजन में जिससे इंजन का मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट
भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इंजन का लाइफ भी इंक्रीज हो जाता है और नेचर और जितने भी ह्यूमन बॉडी है इफेक्ट भी उन तक कम पड़ता है। इस फ्यूल को इंडियन एविएशन में इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टाइम। इंडिया का फर्स्ट ऐसा एयरलाइन है कंपनी जो कि इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। हम बात कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की। तो गाइज होप कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एरोप्लेन भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को क्रिएट करने में। तो ऐसे ही और सारे कई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।